हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर एक और नए कमाल वीडियो के साथ। मेरा नाम है डीमैक्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गाइस आपके मोबाइल की सेंसिविटी के बारे में। बहुत सारे बंदे कंफ्यूज रहते हैं गाइस, मेरे को सेंसिविटी कोड दे दो। अलग अलग क्रिएटर्स के पास जाते हैं, दूसरों का गेम प्ले देखते कहते हैं कि भाई आपकी सेंसिविटी क्या है, और दूसरे का गेम प्ले देख के उनकी सेंसिविटी कॉपी करते हैं और सोचते हैं कि हमारा गेम प्ले भी उनके जैसा हो जाएगा। भाई बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, डिवाइस का फैक्टर होता है, इंटरनेट का फैक्टर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। सेंसिविटी डिपेंड करती है आपके डिवाइस पे, आपके इंटरनेट पे, आपके गेम प्ले स्टाइल पे, आपके कंट्रोल्स पे। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि गाइस आप अपने हिसाब से, अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग के हिसाब से कैसे बढ़िया सेंसिविटी डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गाइस कि अगर आप ADS खेलते हो तो मैं आपको बताऊँगा बहुत ही आसान तरीका आपके मोबाइल पर कौन सी सेंसिविटी सूट होगी, और अगर आप गायरोस्कोप खेलते हो तो उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और बहुत ही गाइस इजी प्रोसेस है। बहुत सारे बंदे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई यार मैं क्या ऐसा करूं जिससे मेरा गेम प्ले बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाए और मेरा जो स्कोप है बहुत स्टेबल चले, क्योंकि कुछ बंदे कमेंट सेक्शन में आके मुझसे बोलते गाइस मैं स्प्रे देता हूँ तो भाई मेरा स्कोप पूरी तरीके से हिल जाता है, सामने वाला बंदा मुझे कम मार के चला जाता है, पता ही नहीं चलता। भाई ये वीडियो देखने के बाद ना भाई आपके अंदर इतना सेंस आ जाएगा कि कैसे मुझे सामने वाले बंदे से फाइट लेनी है। और कुछ ऐसे ड्रिल्स मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा कंप्लीटली देख लेते हो ना भाई, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि भाई आप मुझे स्टूडियो में थैंक्स बोलोगे एंड में, क्योंकि मैं कुछ छोटी छोटी रिसर्च करके आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूँ आप कुछ भी डाल दिया, तो भाई इस वीडियो को पूरा देख लेना। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है ना भाई, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना भाई, अपने लिए मेरे लिए कर देना, क्योंकि आपको पता है कि मेरे चैनल की जो रिच है बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर देना भाई, आपका जो भी ड्रीम है ना कमेंट सेक्शन में कर देना, जो भी आपका फ़ोन लेने का ड्रीम है ना वो इस कमेंट सेक्शन में कर देना भाई, आपका ड्रीम पूरा हो जाए। मैं सच बता रहा हूँ भाई, मेरे को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस इस वीडियो को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है गाइस ADS, दूसरा है गायरोस्कोप, और तीसरा गाइस है जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है ड्रिल्स। अगर आपने ये पार्ट देख लिया ना भाई तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है गाइस। देखो अगर आप ADS प्लेयर हो, मैं इजीली बताऊंगा, कोई भी लोचा नहीं है। और अपने सेंसिटिविटी जो कंट्रोल कोड है आईफोन 11 पे मैं भी खेल रहा हूँ, और आपके एंड्रॉयड पे भी ये काम करेगा, क्योंकि मैंने हर एक डिवाइस पे टेस्ट करके देखा है। ये आपका आईपैड हो, आपका फ़ोन हो, या फिर आप किसी पे भी खेलते हो, क्योंकि ये सेंसिटिविटी मैं सब पे टेस्ट करके दे रहा हूँ। तो अगर आप एक गायरोस्कोप प्लेयर नहीं हो, ठीक है, बाय द चांस आप सिर्फ ADS खेलते हो, तो उनके लिए क्या क्या रहेगा। देखो ऊपर आपको ऑप्शंस मिलते हैं गाइस, अगर आप कभी भूल जाते हो तो ऊपर आप देख सकते हैं लो का ऑप्शन मिलेगा, मीडियम का ऑप्शन मिलेगा गाइस, आपको हाई का ऑप्शन मिलेगा, और मोस्ट यूज्ड और सीजन एक्सपर्ट कस्टमाइज, ये तीनों छोड़ दो, बस लो मीडियम हाई को देखो। अगर आप ADS खेलते हो, गायरोस्कोप से आपको कोई भी मतलब नहीं है दूर दूर तक। तो भाई देखो अगर आप भूल गए थे कि भाई मतलब मैं किस सेंसिटिविटी पे खेल रहा था, मुझे पता नहीं है, पहले मेरा गेम बहुत अच्छा था और अभी मेरा सेंसिटिविटी गड़बड़ कर रहा है, तो भाई मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने जितना भी खेला है अभी तक सबसे ज़्यादा मैंने खेला है हाई सेंसिटिविटी के ऊपर। कभी भी मैं अपनी सेंसिटिविटी भूल जाता था तो मैं क्या करता था, बस इस पे हाई पे क्लिक कर देता था और मेरी जो सेंसिटिविटी है गाइस वो अपने आप बन जाती थी और मुझे कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती थी, और इतना प्यारा गेम प्ले निकल के आता था कि पूछो मत गाइस, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मैंने हाई पे क्लिक कर दिया और जो मेरा स्कोप है बहुत जल्दी इधर उधर भागने लग गया है, ऐसे ऐसे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो भाई आप क्या करो, सेंसिटिविटी में फिर जाओ, आप क्या करो मीडियम पे क्लिक करो गाइस, तो ये उससे लो सेंसिटिविटी हो जाएगी, तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये थोड़ा कम हो चुका है। और अगर आप इस अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा ड्रैग हो रहा है, जैसे आप अंगूठा लगा रहे हो डिस्प्ले में तो एकदम से आपका एम चोक हो जा रहा है, तो इट मीन्स आपकी जो सेंसिटिविटी है गाइस वो लो है। पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, सबसे बेस्ट सेंसिटिविटी, सबसे ज़्यादा प्लेयर जो खेलते हैं ना वो सबसे ज़्यादा खेलते हैं भाई हाई पे। भाई इसको प्रैक्टिस करो, भले ही आपको 10 से 12 या 10 से 20 स्टेडियम खेलने पड़े, आपका सेंसिटिविटी अपने आप डिज़ाइन हो जाएगा दो तीन दिन दो, पर आप देखना भाई, मैं यकीन नहीं मान रहा हूँ आपके गेम प्ले के अंदर गाइस मतलब चांद चांद लग जाएंगे, आप लोग बोलोगे कि हाँ भाई मतलब पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। और हाई सेंसिटिविटी पे भाई मैं खुद खेलता आ रहा हूँ और आपको भी सजेस्ट करूँगा, पर बाय द चांस 1% अगर आप पे हाई सेंसिटिविटी नहीं कंट्रोल हो रही है तो आप शिफ्ट कर सकते हो गाइस, लाइक आप जाके इधर मीडियम पे जाके शिफ्ट कर सकते हो और इजीली आपकी सेंसिटिविटी बन के नज़र आ जाएगी। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंट्रोल कोड भी दे दूंगा जो कि गायरोस्कोप और ADS से मिक्सचर होगा, और दोनों के लिए दे दूंगा वीडियो के एंड में,
बता दूंगा कि भाई सेंसिटिविटी दोनों को दे दूंगा, एक सेंसिटिविटी दूंगा एडीएस वालों के लिए, एक सेंसिटिविटी दूंगा गायरोस्कोप वालों के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गए एडीएस वालों की बात। और सही बताऊँ ना, सिर्फ इतना करने में ही ना, सिर्फ हाई पे क्लिक करते ही ना आपकी सेंसिटिविटी आपके अकॉर्डिंग हो जाएगी। और अगर आप लोग डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको हर एक सेंसिटिविटी के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बारीक में बताया, पर आपको इतनी ज़रूरत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब गाइस बात करेंगे गायरोस्कोप वालों की, ठीक है, जो कि मैं भी खेलता हूँ। तो मेरी गायरोस्कोप की सेंसिटिविटी क्या है, जो कि ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस में यही काम करेगी, मतलब ये एक बेसिक सेंसिटिविटी है जो सच में आपके लिए काम करेगी गाइस। तो ये मेरी कस्टमाइज सेंसिटिविटी है गाइस, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, बहुत सारे बंदे जो है जो ये टीपीपी नो स्कोप है वो 257 खेलते हैं, बहुत सारे बंदे 300 खेलते हैं, बहुत सारे बंदे 400 भी खेलते हैं। तो अगर आप चाहो तो ये आप इसको ना ये जो चीज़ है ना ये वाली, इसको ऊपर नीचे करके देख लेना, क्योंकि ये जो होता है ना, जैसे मान लो लाइक मेरा 257 है, एक ये यहाँ पे मेरा 257 है, ये गाइस ये होता है, देखो गाइस ये अंगूठे से आप इधर उधर करते हो ना, अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूंगा, देखो मैं इसको ग्लो गायरोस्कोप पे क्लिक करता हूँ, इसको कर देता हूँ, तो ये देखो मैं अगर इसको ऐसा करूँगा ना मारते हुए तो ये बहुत ज़्यादा हिलने लगेगा। तो मेरा जो सीन है ना, मैं क्या करता हूँ, ये 257 पे रखता हूँ इसको, जिससे मेरा जो हिप फायर है ना बहुत अच्छा जाता है, मेरा ये मानना है गाइस, ठीक है। तो आप भी इतना ही रखना, और आपको कुछ ज़्यादा छिड़खाने की ज़रूरत करने की है नहीं। तो ये मेरी गायरोस्कोप सेंसिटिविटी है गाइस, आप लोग देख सकते हो, रेड डॉट मैंने गाइस 350 कर रखा है। आप इसको क्या कर सकते हो, 300 कर सके देख सकते हो, 375 करके देख सकते हो, 400 भी कर सकते हो। तो मेरा जहाँ तक है भाई 300 कर लेना, बहुत है, बेस्ट है। 2x आप लोग देख सकते हो गाइस, 169 है। 3x आप देख सकते हो, 180 है गाइस। और यहाँ पे जो मेरा ADS गायरो सेंसिटिविटी है ना, मैंने इसको डिसेबल कर रखा है। अगर मैं इसको इनेबल कर दूंगा ना गाइस, तो ये अलग हो जाएगी, बिल्कुल अलग हो जाएगी, जो कि मैं ऐसा प्रेफर नहीं करूँगा भाई। मेरा जो सीन है, मैं डिसेबल करके खेलता हूँ, और जो मेरी सेंसिटिविटी है ना, जो ये ऊपर वाली सेंसिटिविटी, वो भी नीचे अप्लाई हो जाती है, सेम सेंसिटिविटी पे खेलता हूँ, और एकदम मस्त मेरा गेम चलता है गाइस। तो गाइस जो यहाँ पे मैं आपको ड्रिल्स बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक प्लेयर आपको नहीं बताएगा, मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या तीन ड्रिल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। जो हमारी पहले ड्रिल है ना, वो ये है कि गाइस आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब भी आप खड़े होकर स्प्रे देते हो ना, तो आप लोग देखते हो कि इतना ज़्यादा रिकॉल कंट्रोल नहीं होता। जैसा कि अभी हम ट्राई करते हैं, ठीक है गाइस, अगर मैं यहाँ पे बैठ के रिकॉल मतलब बैठ के मारूंगा ना, तो गाइस आप लोग देखना कितना ज़्यादा स्प्रे मतलब कम हो जाएगा रिकॉल। सारी गोलियां एकदम एनिमी पे लगेंगी, एकदम ऑब्जेक्ट पे हिट होंगी। और तीसरी चीज़, अगर आप बैठ के पीक करके मारोगे ना, तो और कम रिकॉल होगा गाइस। और सबसे बेस्ट तरीका गाइस, जो आपको कोई भी नहीं बताता, मतलब बहुत कम क्रिएटर्स बताते हैं, वो है प्रॉन। अगर बंदा आपका बहुत ज़्यादा दूर है गाइस, जैसे ये है, या फिर गाइस आप मान लो ये भी दूर बंदा है, तो गाइस अगर आप यहाँ पे बैठ खड़े होकर मारोगे ना, तो कम चांसेस है कि बंदे की गोलियाँ मतलब बंदा नॉक हो या फिर उसको बुलेट हिट्स करे। देखो ट्राई करते हैं, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो भाई कितनी दूर है वो ऑब्जेक्ट, ऑलमोस्ट गाइस 300 मीटर दूर है। तो यहाँ पे बहुत कम चांसेस है कि उसको गोलियाँ हिट करे ही करेंगी, क्योंकि जो एक नया बंदा है भाई उससे नहीं होगा। तो आप क्या करो गाइस, आप बैठ के ट्राई करो एंड पीक कर लो इस तरीके से, फिर मारो गाइस बंदे को, तो चांसेस है गाइस कि बंदा आपका नॉक हो जाए। और अगर भाई आपको डेफिनेटली बंदे को नॉक करना ही करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका, लेट जाओ गाइस एंड देन बूम, मतलब बंदा नॉक और डायरेक्टली पूरा फिनिश हो जाएगा गाइस। डेली प्रैक्टिसेस करो, लाइक आप यहां पे आओ, पहले इजी टारगेट्स को देखो, ये देखो रेड डॉट को, ये यहाँ पे ऐसे करके रेड डॉट से प्रैक्टिस करो गाइस आके यहाँ पे, बहुत ही आसान है गाइस। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे, वैसे वैसे आपका हाथ सेट हो जाएगा। और फिर इसके बाद इन टारगेट्स पे आके देखो प्रैक्टिस करो। तो गाइस अगर आपको ये ड्रिल्स पसंद आए ना, प्लीज़ यार लाइक कर देना। और हाँ, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। और गाइस अगर आपने मुझे टेलीग्राम पे भी नहीं फॉलो किया, तो जाके फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे गाइस मैं रॉयल पास का गिव अवे जल्दी करने वाला हूँ। भाई आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, वीडियो पर कोई भी लाइक का टारगेट नहीं है, बस इतना ही बोलूँगा भाई, लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करने से भाई वीडियो की रिच बढ़ेगी और तक ये वीडियो पहुँच जाएगा गाइस। मिलता किसी और नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हो कंट्रोल कोड के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ यार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना।